हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बियाना आवासे है और आप देख रहे हैं ई बिजनेस आइडिया। तो मैं स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस ई बिजनेस आइडिया के चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार जियो राउटर जियो वाईफाई का पासवर्ड हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो चलिए आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने से कुछ रूल्स होते हैं, मतलब कि आप जिस भी पीसी से अपना जियो वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं वो उस वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। आप चाहे तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस जो मैं इस पीसी से करने वाला हूँ, सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए आज को आपको पीसी से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर लिए सर्च बार में आ जाइए और आप देखिए जियो पासवर्ड जियो पासवर्ड चेंजर है ना, इस प्रकार से आप टाइप कीजिए, है ना। जियो पासवर्ड चेंजर चेंज करेंगे आप तो ये दिख रही है हाउ टू चेंज जियो पासवर्ड एंड सॉल्यूशन रिलायंस डिजिटल। आप किसी भी इस पे कर ले या देखिए, जैसे अपने ये एक HTTP एक URL है ये, या आप डायरेक्ट अपने ब्राउजर से भी टाइप कर सकते हैं HTTP://192.168.111। इसको यहाँ से हम ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट दिखा रहा है गो टू द HTTP URL। डायरेक्ट इस URL पे आप क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट आप उस URL पे पहुँच जाओगे। देखिए ये आपका जियो का खुल चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं इसके डिटेल्स, ये है LTE स्टेटस है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन और कनेक्शन टाइम जो भी आप देख सकते हैं इसमें। देखिए ये इस प्रकार से दिखा रहा है, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा, आप यहाँ पे आ जाइए लेन इन्फो में दोस्तों। जैसे लेन इन्फॉर्मेशन, जैसे SSID, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बिया लिंक, आप यहाँ से इसको चेंज, मैंने यहाँ पे खुद जैसे जो आप सोचोगे जब फर्स्ट टाइम आप जब ऑटोमेटिक जब पहले से बना हुआ आता था यहाँ पे लिखा था जियो वाईफाई C 80 83 84 L ऐसा जो भी है वो लिखा था मैंने इसे कस्टम, मतलब अपने यहाँ मैंने चेंज किया इसको। और नंबर ऑफ क्लाइंट अटैच, अभी मतलब कितने जन यहाँ से इसको, अब ये भी देख पाओगे कि कितने व्यक्ति इससे कनेक्ट है। तो फिलहाल के लिए अभी नंबर ऑफ क्लाइंट अटैच 1 देख सकते हैं ये, बाकी इसका IP एड्रेस, इनकी लिस्ट और इनका ये IP एड्रेस है और ये मैक और ये बाकी इसके हैं कनेक्टेड। तो दोस्तों इससे पहले तो क्या करना होगा, आपको पहले लिख लेते हैं डिवाइस डिटेल्स। इसमें आप ये भी चेक कर पाएंगे कि आपका जो राउटर है उसकी कितने परसेंट बैटरी हुई है। देखिए बैटरी लेवल अभी 97% और बैटरी स्टेटस अभी डिस्चार्जिंग, कोई वो मतलब चार्ज पे नहीं है। डिवाइस मैक वाईफाई राउटर, ठीक है। यह है सिस्टम परफॉर्मेंस, आप देख सकते हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्पीड दे रहा है। ये देखिए करंट डाटा रेट 1.68 KBPS, ये देखिए यहाँ से वो चेंज होते रहेगा जिस हिसाब से उसकी स्पीड मिलेगी। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है डिवाइस डिटेल्स इन्फो LTE स्टेटस और ये तो थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूँ हम। अब ये देखिए ये ऑप्शन आ चुका है लॉगिन, दोस्तों आपको लॉगिन करना होगा। तो उसमें यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप फर्स्ट टाइम यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो यूजर नेम और पासवर्ड सेम होता है, क्या होता है सेम होता है। तो दोस्तों मैंने चेंज कर लिया है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है आप चेक कर लीजिएगा डायरेक्ट, या ऐसा लगता है कि आपने गलत टाइप किया है तो यहाँ पे लिख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, ये देखिए स्पेलिंग, यहाँ से आप
यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कॉपी कर लीजिए और वही लिंक यहाँ आइए और यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ आके आप पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे भी सेम टू सेम पेस्ट कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये जो भी है वो पूरा खुल जाएगा। तो वो कैसा खुलेगा मैं अपना आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ, खुल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। सॉरी, यूजर नेम गलत है, शायद मैंने डाला है बिया स्पेस लिंक, ये मेरा यूजर नेम है और ये मेरा पासवर्ड है। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। यूजर नेम मेरा गलत है शायद, मैंने गलत है मेरा, मैं शायद भूल रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब ये खुल चुका है। मैंने अपना आईडी और पासवर्ड इस सेव कर लेता हूँ, भूलूंगा नहीं। देखिए ये लॉग आउट का ऑप्शन है, इसका मतलब कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब दोस्तों आपको आपका आईडी मतलब कि आपको पासवर्ड चेंज करना है तो इसके लिए क्या करना होगा मैं बता देता हूँ आपको प्रोसेस। आप चले आ जाइए, पहले तो लेन इन्फो में देख लेते हैं। अब यहाँ से सॉरी ये सेटिंग में आ जाइए, चलिए उसको छेड़िए मत, आप वाईफाई सॉरी इसमें तो कुछ है नहीं, थोड़ा मैं भी भूल रहा हूँ क्योंकि इसको हम डेली यूज़ नहीं करते हैं, है ना। स्टोरेज ये वाईफाई है, ये देखिए ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से आप जो भी मतलब SSD जो भी डालना चाहोगे यहाँ से आप मतलब कि जैसे आप किसी भी वाईफाई सर्च करते थे जैसे डी लिंक एस लिंक, इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हो और यहाँ से इसके वो बढ़ा सकते हो किस स्पीड में आपको वो चाहिए। तो हाईएस्ट रखते हैं हम, ये हाईएस्ट है और जो भी है एनेबल हाई VPS सिक्योरिटी आप जो भी डाल सकते हैं यहाँ पर डिसेबल, यहाँ से हम पावर और हाई कर देते हैं कि कोई हैक ना कर सके। और यहाँ से आप पासवर्ड भी देख सकते हैं अपना कि क्या है हमारा पासवर्ड, ये है पासवर्ड यहाँ से, यहाँ जो दिखे सिक्योरिटी की, अब यहाँ पे अपना ये पासवर्ड डाल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे डाल के, ये ऑटोमेटिक ये एनेबल जो भी है और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, है ना, या अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे इतना ही पता है यूज़र मैनेजमेंट, ये देखिए यूज़र मैनेजमेंट में आओगे, सॉरी आपको यूज़र मैनेजमेंट में आना होगा और यहाँ से आपको यूज़र नेम, यूज़र मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि यूज़र नेम यहाँ पे क्या बताया था हमने एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप यहाँ पे आपको जो रखना है वो रख सकते हैं जो भी मतलब यूज़र मैनेजमेंट पासवर्ड और यूज़र नेम। यहाँ पे पासवर्ड आपको कौन सा डालना है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर था वो वाला डालेंगे और फिर न्यू जो आप यहाँ पे कंफर्म करके अप्लाई कर दीजिएगा, उससे फिर कनेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। तो थैंक यू।